नमस्ते द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आज चर्चा कुका विद्रोह को लेकर। कुका विद्रोह भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक अलग अध्याय, खास अध्याय है और इसे कई रूपों में भी देखा जा सकता है। कुका विद्रोह ये भी बताता है कि कैसे बहुत कम समय में अंग्रेजों ने भारतीय समाज में फूट डालने में सफलता अर्जित कर ली थी। अंग्रेज जब एशियाई देशों को गुलाम बना रहे थे तो उनका एक तर्क ये होता था कि वे एशियाई देशों को सभ्य बनाने आए हैं, लेकिन उनकी बर्बरता, उनकी करनी, उनकी कारस्तानी ऐसी थी कि जिससे इंसानियत हमेशा शर्मसार होती रहेगी, मानवता हमेशा रोती रहेगी। जितने घिनौने तरीके से उन्होंने यहाँ लोगों को मारा, दंडित किया, जिस तरह से अपना गुस्सा उतारा, वो बिल्कुल ही आज भी सुन करके यकीन नहीं होता कि कोई इतना निर्दयी हो सकता है। अंग्रेजों का एक प्रिय खेल था, तोप के आगे, तोप के मुंह पर इंसानों को बांध करके उड़ा देना। जिसे दंड देना होता था वो तोप के मुंह पर बांध देते थे और इधर से धमाका किया जाता था, उस इंसान के पेट और छाती का पूरा हिस्सा चिथड़ों में उड़ जाता था, आकाश में उड़ता नजर आता था, हाथ और पैर अलग अलग। चूंकि वो धमाका पेट में लगता था तो पेट के बहुत छोटे छोटे टुकड़े उड़ते थे, हाथ और पैर पूरा का पूरा उड़ते हुए आकाश में दिखाई देते थे। ये अंग्रेजों ने बहुत बार किया, खास करके 1857 के विद्रोह के बाद, यानी प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद, या उस टाइम से कहिए 1857 के समय से अंग्रेजों का ये प्रिय खेल हो गया था। हजारों हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों ने इसी तरीके से मारा, तोप में बांध करके उड़ा दिया। ये 1857 के बाद भी चलता रहा। 1872 में एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें 49 लोगों को एक साथ अंग्रेजों ने तोप से बांध कर उड़ा दिया था। वो घटना क्या थी? वो कुका विद्रोहियों के लेकर की घटना थी। 1857 की जंग में हिंदू और मुसलमान बिल्कुल एक होकर लड़े थे। कहीं पर आपस में धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर इनमें विभेद नहीं था। अंग्रेजों का साथ देने वाले बहुत सारे हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। अंग्रेजों के खिलाफ एक होकर लड़ने वाले बहुत सारे हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। परंतु कुछ ही सालों के बाद जब कुका विद्रोह की ये घटना है, यानी 1857 से 1872 तक आते आते भारतीय समाज में फूट पड़ गई और एक साथ लोग नहीं लड़ रहे थे। 1857 में जहां सिखों ने पूरी तरह से अंग्रेजों का साथ दिया, वहीं बाद में 1872 आते आते अंग्रेजों के साथ वो सीधी लड़ाई करने लगे थे। और फिर बाद में सिखों ने इतना अधिक अपना बलिदान दिया देश की आजादी के लिए कि तो उनके 1857 के सारे पाप कपूत हो चुके। 1857 का जो कलंक था वो उन्होंने अपने खून से काफी पहले ही धो दिया। कुका विद्रोह के नेता थे गुरु राम सिंह। राम सिंह संत थे, लेकिन अपने प्रवचन में देशभक्ति और क्रांति की बात बहुत अधिक किया करते थे। धीरे धीरे उनका एक अलग समुदाय बन गया जो नामधारी कहलाने लगा, नामधारी सिख बनने लगे, और जो इनमें लड़ाकू थे उन्हें कुका कहा जाता था। यहीं से कुका शब्द बना है। जो लड़ाकू नामधारी सिख थे उन्हें कुका कहा जाता था। राम सिंह ने अपने शिष्यों से, अपने जितने भी अनुयायी उनके थे, उन सब से ब्रिटिश सरकार की रेल, तार, डाक वगैरह ये सब कुछ का बहिष्कार करने को कहा। अंग्रेज उनके जब पीछे पड़ने लगे, अंग्रेजों को लगा कि यहाँ कुछ धर्म के नाम पर अलग साजिश रची जा रही है, तो उनकी निगरानी करने लगे। तो राम सिंह ने अब गुप्त रूप से अपना काम करना शुरू कर दिया। इस संप्रदाय की एक और खास बात यह थी कि ये नामधारी संप्रदाय गोरक्षा में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लेता था। 1871 की बात है, कुछ कुके अमृतसर जा रहे थे। रास्ते में गाय ले जा रहे कसाईयों से इन लोगों की भेंट हो गई और ये लड़ाकू लोगों ने, कुकों ने ये किया कि सारे कसाईयों को मार डाला और गायों को आजाद करा दिया। कसाईयों के कत्ल के इल्जाम में अमृतसर में लोगों को पकड़ा जाने लगा, गिरफ्तारियां होने लगी।
राम सिंह को जब इसकी खबर मिली तो उन्होंने कहा जो लोग इस हत्याकांड में शामिल थे कि जा करके अदालत में सरेंडर करें, पुलिस के पास जा करके अपना आत्मसमर्पण कर दें, क्योंकि निर्दोषों को परेशानी नहीं, अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो पुलिस बहुत सारे लोगों को परेशान करेगी और कई निर्दोषों को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ सकती है। यहाँ पर यह मामला शांत हो गया। ये बात है 71 की। 72 में 13 जनवरी की बात है, जब भैणी में माघ मेला लगा हुआ था, हजारों कुके वहां जा रहे थे। रास्ते में एक कुके का मुसलमानों के साथ झगड़ा हो गया और उस झगड़े में मुसलमानों ने मिलकर उस कुके को पीट दिया। वो कुका गया बाकी सब अपने साथियों के पास और बताया कि मुसलमानों ने मिलकर के उसे पीटा है। परिणाम यह हुआ कि गुस्से में भरे 150 के आसपास कुके चल पड़े जहां उस कुके की पिटाई हुई थी। इन 150 कुकों ने बगावत की घोषणा कर दी, कहा कि हम ब्रिटिश सरकार से अब लड़ेंगे, पार्टियों से लड़ेंगे और बदला लेंगे। राम सिंह को जब इसका पता चला तो उन्होंने खुद ही पुलिस को सूचना दे दी कि ये 150 के करीब कुके हैं, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। दरअसल गुरु राम सिंह चाहते थे कि बड़ी बगावत हो, ऐसी बगावत हो कि जिससे अंग्रेजों की गद्दी हिले, ऐसे नहीं कि कुछ लोग जा करके भिड़ जाएं और मारे जाएं, कुछ नहीं हो, बल्कि अंग्रेजों की सख्ती और पड़ जाए, निर्दोष लोगों की परेशानी बढ़े। वो बड़ी बगावत की तैयारी में था, बड़ी बगावत की तैयारी में थे, इसलिए अंग्रेजों को उन्होंने खुद ही कह दिया कि इन लोगों से, ये जो बगावत का जिन लोगों ने ऐलान किया है, उन लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं है। उधर जो 150 कुके निकले वो मलौद किले पर उन्होंने हमला किया। वहाँ कुछ घोड़े, कुछ तोप, कुछ तलवार, कुछ हथियार इस तरह से अपने कब्जे में ले लिए, लेकिन किला कब्जे में नहीं आया। ये इतनी सारी कुछ घोड़े तोप तलवार हथियार वगैरह जब कब्जे में आ गया तो इन लोगों ने दोबारा कोशिश की किले पर कब्जा करने की, लेकिन फिर भी इसमें वो सफल नहीं हो सके। जमकर लड़ाई हुई और कुकों को पीछे हटना पड़ा क्योंकि तब तक और फौज आ गई थी। बाद में पटियाला रियासत की सीमा पर 68 कुके जंगल में गिरफ्तार कर लिए गए। लुधियाना का डिप्टी कमिश्नर था कौवन। कौवन ने उनमें से 50 को तोप में बांध करके उड़ा देने की सजा दी। एक एक करके जितने भी वहां तोप थे उसमें बांधा गया उनका विद्रोहियों को और तोप में बांध करके उड़ाया जाने लगा। एक राउंड खत्म होता फिर दूसरे कुकों को लाया जाता, बांधा जाता तोप से और उन्हें फिर उड़ा दिया जाता। ये प्रक्रिया चलती रही। 49 लोगों को उड़ा देने के बाद 50वां कुका का नंबर आया, वो एक बालक था, 13 साल का बालक। उस बालक पर कौवन की पत्नी भी वही थी, उसने देखा तो उससे दया आ गई, उसने कहा कि इसे छोड़ दीजिए, इसे रिहा कर दीजिए। कौवन ने कहा कि ठीक है वो छोड़ देगा, लेकिन पहले बच्चे से कहा कि पहले कहो, ये कबूल करो कि राम सिंह तुम्हारा गुरु नहीं है, वो गलत आदमी है। बच्चा ने ये नहीं कहा बल्कि गुस्से में कौवन की दाढ़ी पकड़ ली और कहा जाता है कि वो दाढ़ी बच्चे ने फिर छोड़ी ही नहीं। ये आखिर दाढ़ी छुड़ाने के लिए करना पड़ा कि तलवार से उस बच्चे का वो हाथ काट दिया गया जिससे वो कौवन की दाढ़ी पकड़े हुए था और बाद में फिर उस बच्चे का गला भी काट दिया गया। बाकी जो 18 अन्य उनका विद्रोही बचे उन सबको फांसी की सजा दे दी गई। सभी को उसी समय फांसी पर लटका दिया गया। उस दौरान फांसी के लिए बहुत कुछ अदालत और ये जेल फांसी घर वगैरह की बात नहीं होती थी। 1857 के विद्रोहों में भी तमाम ये कहानियां हैं कि किसी भी पेड़ पर किसी भी जगह पर रस्सी से बांध करके और लटका दिया जाता था, फांसी दे दी जाती थी। उसी तरह से बाकी 18 कुका विद्रोहियों को फांसी दे दी गई। इसके कुछ ही समय बाद गुरु राम सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें देश निकाला देकर म्यांमार भेज दिया गया। वहीं 1885 में ही जेल में ही राम सिंह की मौत हो गई और इस तरह से ये कुका विद्रोह जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए बना था, कुछ उत्तेजित कुका विद्रोहियों के कारण खत्म हो गया। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
जय हिंद।